स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली इस लैंग्वेज चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर ओपन कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जितनी भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको जो वीडियो मिलती है उसको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव। हैज और हैव का यूज, हैज और हैव का यूज जो हम सीख रहे हैं उसमें जो है वो हमारे टाइमेट की फॉर्म में आ रहे हैं। हैज और हैव जो हमारे टाइमेट के रूप में और टाइमेट की जो फॉर्म है उसमें हम देखेंगे कि हमें जो है बस की जो थर्ड फॉर्म होती है, बस की थर्ड फॉर्म लगाना बहुत ही जरूरी है। विदाउट बस की थर्ड फॉर्म ही गलत हो जाएंगे सेंटेंस, हमें हैज हैव के साथ बस की थर्ड फॉर्म भी लगानी है। देखिएगा हैज और हमारे दो तरीके से, एक तो हैज हम वहां यूज करते हैं जो चीज हमारे पास होती है उन सेंटेंसों में भी हम हैज का यूज करते हैं, और एक जो होती हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनका यूज हम वहां करते हैं जहाँ हमारा काम अब से दो घंटे पहले या अब से चार पांच घंटे पहले हो गया हो, जो काम हमने कर लिया हो यानी प्रेजेंट ही चल रहा हो बट वो काम हमारा हो गया हो, उन सेंटेंसों में हम हैज का यूज करते हैं और हैज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे। तो इसकी जो मेन जो हमारी पहचान है वो ये है कि इन सेंटेंसों के जो भी अंत में लास्ट में क्या आता है, लिया है आता है, दिया है या किया है आएगा या चुका चुकी चुके आएगा। जहां सेंटेंस में इन छह में से कुछ भी आ जाए वहां आप हैज का यूज करेंगे, और हैज का यूज करना है तो बस की थर्ड फॉर्म तो हमें लगानी है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि हमने बोलना था मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने अपनी क्लास अटेंड कर ली है, या फिर मैं खाना खा चुकी हूँ, खाना खा चुकी हूँ या मैंने खाना खा लिया है, बात एक ही है बस वो कहने का तरीका अलग है, लेकिन हम जो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे वो एक ही तरीके से करेंगे। देखिएगा स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से हुआ, आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए आई और यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे और थर्ड पर्सन के साथ हम हैज का यूज करेंगे। डूअर हमारे काफी होते हैं बट हमारे स्पोकन में आई फर्स्ट पर्सन, आई सेकंड पर्सन, यू और थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई है और सेकंड पर्सन यू है, इन दोनों के साथ हमने हैव का यूज कर लिया, और थर्ड पर्सन हमारा शी होता है, ही होता है या अदर कोई भी नेम हो सकता है, इसके साथ हमने हैज का यूज कर लिया। देखिएगा आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, एंड शी हो या ही है हमारा कोई भी थर्ड पर्सन हैज प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। देखिए एग्जांपल लेते हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, आई हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, मैंने कॉफी बना ली है या फिर मैं कॉफी बना चुकी हूँ, बात एक ही है, हम इसको इंग्लिश में यही बोलेंगे आई हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, बट हिंदी में जो है हिंदी में तो तरह से बोल सकते हैं मैंने कॉफी बना ली है या मैं कॉफी बना चुकी हूँ, बात एक ही है, जो काम था मेरा वो मैंने कर लिया है प्रेजेंट में ये बट हो चुका है। ठीक है, हमने बोल दिया आई हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, अब हमें यही एक्शन सेकंड पर्सन के लिए फॉलो करनी है, सेकंड पर्सन से कह रही है हम बोलेंगे यू हैव, एक्शन हमें चेंज नहीं करनी है, यू हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, बट यहाँ पे थोड़ा शब्द ऊपर बोलना है शब्द ऊपर ताकि अच्छे से अरेंजमेंट देखो, कैसे बोलेंगे आई हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, ओ आई सी यू हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, मैंने तो कॉफी बना चुकी हूँ या मैंने कॉफी बना ली है, तुमने भी कॉफी बना ली है, तो जुबान हम एकदम शॉक्ड होकर बोलते हैं। सपोज दैट आप अभी अभी क्लास अटेंड करके आ रहे हो और आपका दोस्त वो भी क्लास अटेंड करके आ रहा है बट आपको नहीं पता थी, तब आप उसे शॉक्ड होकर इसलिए बोलोगे आई सी यू हैव अटेंडेड द क्लास, तुमने क्लास अटेंड कर ली है। ओके, देखिए फर्स्ट पर्सन आई हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, ओ आई सी यू हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, अब हमें यही एक्शन चेंज नहीं करनी है, हमें यही वाली एक्शन थर्ड पर्सन के लिए फॉलो करनी है, थर्ड पर्सन से कह रही है कि शी हैज प्रिपेयर्ड कॉफी, शी हैज प्रिपेयर्ड कॉफी या ही हैज प्रिपेयर्ड कॉफी, चाहे आपको कोई अदर नेम ना ऐड करना है, कोई नेम ऐड कर दीजिए, आई हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, ओ आई सी यू हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, शी हैज प्रिपेयर्ड कॉफी या ही हैज प्रिपेयर्ड कॉफी, इस तरह से आप एक्शन चेंज नहीं करेंगे और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों का ही यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ आप हैव का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन के साथ आप हैज का यूज करेंगे, बट एक्शन चेंज नहीं करेंगे, एक्शन चेंज नहीं करनी क्योंकि आपको फ्लुएंसी बढ़ानी है अपनी, फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए एक्शन एक ही है और पर्सन को चेंज करेंगे अपने, यानी डूअर चेंज करने हैं। अब देखिए कुछ एक्शन है, एक्शन कैसे, फर्स्ट आपके एक्शन है स्किप द रोप, स्किप द रोप मीन्स होता है रस्सी कूदना, तो रस्सी कूदते ही हम उसको हम
बेलना, रोटियां बेलना मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोल आउट द चपाती, क्रैक द नकल्स, क्रैक द नकल्स मीन्स होता है उंगलियां जो चटपाते हैं हम इस तरह से उसको बोलेंगे यार क्रैक द नकल्स, और ये अलग होता है, होता है स्नैप द फिंगर जो उंगली चटकाते होती है क्रैक द नकल्स, यहाँ ध्यान रखना इसको इंग्लिश क्रैक द नकल्स मीन्स होता है ये उंगलियां जो चटकाते हैं। एंड मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर मीन्स होता है पोछा लगाना, वॉश द डिशेज, वॉश द डिशेज मीन्स बर्तन धोना, एंड यूज वॉश या बर्तन यूज करना, रीड मैगजीन, मैगजीन पढ़ना, मैगजीन का जो रूपायन होती है वही इंग्लिश में कन्वर्ट होकर आती है, होती है रीड मैगजीन, मैगजीन पढ़ना, गेट रेडी तैयार हो जाना, गो टू ऑफिस, ऑफिस जाना, किक द बॉल, बॉल को किक मारना एंड डक मारना। अब यहाँ पर आपके लिए थर्ड फॉर्म का यूज करना है सभी एक्शन में, ये एक्शन दी है आप इन सभी में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, देखिए यूज करें, फर्स्ट एग्जांपल देखो, आई हैव रिपीट कॉपी, हमें एक्शन चेंज करनी है, एक्शन याद लीजिए, आई हैव स्किप्ड द रो, आई हैव स्किप्ड द रो, ओ आई सी यू हैव स्किप्ड द रो, शी हैज स्किप्ड द रो, ओके। सेकंड लीजिए, आई हैव रोल्ड आउट द चपातीज, यानी मैंने रोटियां बेल ली है, आई हैव रोल्ड आउट द चपातीज, यू हैव रोल्ड आउट द चपातीज, She has rolled out the chapatis. Action आपको change नहीं करनी, एक ही action को आप three times बोलेंगे, first person with second person and third person. Third action is crack the knuckles. I have cracked the knuckles. OIC, you have cracked the knuckles. He has cracked the knuckles. And fourth is mop the floor. Mop means third for mop. I have mopped the floor. OIC, you have mopped the floor. He has mopped the floor. आपको एक्शन चेंज नहीं करनी है, बार बार मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, आपको फ्लुएंसी बढ़ानी है अपनी। एंड फाइव है वॉश द डिशेज मींस बर्तन धोना, आई हैव वॉश्ड द डिशेज, ओ आई सी यू हैव वॉश्ड द डिशेज, शी हैज वॉश्ड द डिशेज, आपको इसी तरह से जितने भी एक्शन है इनके यूज करना है और आपको बोलना है अपने डेली लाइफ में, जब तक आप डेली लाइफ में इनका यूज नहीं करेंगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी, इसलिए आप इन सभी सेक्शंस को एग्जांपल्स के फॉलो करके अपनी डेली लाइफ में बोला करें, डेली लाइफ में बोलने से क्या होगा, आपको जो इसकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी और आप जो सेंटेंस का सही जगह यूज करना सीख जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।